हैरान रह जाएंगे सुनकर कि एक तरफ देश की बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल लाने के लिए ऑलमोस्ट जान जोखिम में डालने के लेवल पर जाकर वजन घटाने का प्रयास कर रही, मेडल लाने के लिए वो अकेले नहीं पूरी टीम हर संभव प्रयास कर रही, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस इस पूरे वाक्य में भी मोदी विरोध की पॉलिटिक्स से आगे ही नहीं बढ़ पाया, और इन लोगों ने साजिश का एंगल घुसेड़ दिया भाई लोगों ने। इन लोगों का हाल वही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, बस इतना ही पब्लिक के सामने नैरेटिव ढकेल देना। आप देखिए ये लोग क्या क्या बोले भाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी के बहुत खास हैं, ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, हरियाणा की बेटी की पीठ में छुरा किसने मार दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विनेश के अयोग्य होने की जांच करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विनेश का अयोग्य होना साजिश है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि विनेश को साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि विनेश का इतिहास रचना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ साजिश कर दी गई। भगवंत मान कह रहे हैं कि विनेश के जीतने पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, अयोग्य होने पर बयान दे रहे। बॉस क्या ये लोग इतने इनसेंसिटिव हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स भी करनी है तो कम से कम समय तो देख लो। उधर विनेश फोगाट निराशा के चरम पर है, देश का दिल बैठा हुआ है खबर सुनकर कि यार हाथ से आया हुआ मेडल निकल गया, और ये लोग कूद के राजनीतिक अखाड़े में आ गए झूठ के दाव से नरेंद्र मोदी को पटक नहीं देने। अलग लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में विपक्ष, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विनेश फोगाट हरियाणा से आती हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, तो विनेश से अच्छा मौका क्या हो सकता है पीएम मोदी पर हमला करने के लिए। और कोई वजह नहीं है बॉस, कोई इनको मोहब्बत नहीं है। विनेश फोगाट का वजन बढ़ा कैसे, फाइनल के पहले क्या क्या हुआ पेरिस में, क्या कोई साजिश का एंगल है या नहीं है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने विनेश के लिए क्या किया, आज आपको पाठशाला में एक एक चीज बताने वाला हूं। लेकिन पहले इंडी गठबंधन के राजनीति का गिरता हुआ स्तर देखिए एक बार। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए यह ब्लैक डे है, यह एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर दो, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर तीन, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर चार, किसका चेहरा बचाने के लिए यह पूरी साजिश हुई? फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है उस समय उसका वजन होता है, हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। अगर मोदी साहब यूक्रेन और रशिया के बीच में की वॉर रुकवा सकते हैं तो विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन भी रुकवा सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। विनेश फोगाट का वजन तो थोड़ा भारी निकला, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स तो गजब की हल्की दिख रही। कोई फैक्ट नहीं, कोई सच्चाई नहीं, झूठ भ्रम। और नरेंद्र मोदी ने सही कहा था सदन में खड़े होकर कि इन लोगों के मुंह में झूठ का खून लग गया है 2024 इलेक्शन के बाद। विनेश फोगाट के मामले में सबसे ज्यादा कांग्रेस अपना फायदा देख रही। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कल से ही मोदी सरकार को घेर रहे थे। आज विनेश को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और मजबूती से वापसी करेंगे। राहुल गांधी विनेश के अयोग्य ठहराए जाने पर दुख जता रहे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता विनेश के अयोग्य होने को सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से जोड़ रहे, और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे। मतलब राहुल गांधी कुछ और कहेंगे और बाकियों को वही सदन में जैसा यू यू यू
वेल में जाओ, तो यू नरेंद्र मोदी को घेरो वाला हिसाब। सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, दोनों हरियाणा से हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब तीन बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। ये क्या कारण है इसके ऊपर? तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही है, वो उसके साथ ऐसी कैसे, ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है, लेकिन डाउट खड़े कर देना, डाउट का बीज दिमाग में बो देना बिना फैक्ट को जाने हुए, यह विपक्ष का काम नहीं है। आधी अधूरी बातें बताना, उसे तो सड़क पर खींचा लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह ना बताना, यह विपक्ष का काम नहीं। इंडी गठबंधन का एक और बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है, जो विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी यही कह रही हैं। ये लोग तो उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे इन सभी नेताओं को विनेश फोगाट ने फोन करके बताया हो कि मेरे साथ साजिश हो गई। सुनिए डिंपल यादव को भी, फिर बताऊंगा संसद में इस मामले में क्या हुआ, फिर रखूंगा आपके सामने फैक्ट्स। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची है, तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विनेश फोगाट का मुद्दा संसद में भी उठा, इंडी गठबंधन जिस तरह संसद के बाहर बयानबाजी कर रहा था वैसे उन्होंने संसद के अंदर कर दिया। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर बयान तक दिया। खेल मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक बार खेल मंत्री को भी सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि खेल मंत्री के बयान के बावजूद इंडी गठबंधन क्या करने लगा। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। खेल मंत्री के बयान से भी इंडी गठबंधन को संतोष नहीं हुआ, होगा कैसे, उनको सच थोड़े ही सुनना है, उनको फैक्ट्स थोड़े ही सुनने हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी करना है, और इसलिए विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद संसद के बाहर इंडी गठबंधन के नेताओं ने विनेश फोगाट के समर्थन में नारेबाजी की, विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश बंद करो, विनेश फोगाट को इंसाफ दो के नारे लगाए गए, सुनिए जरा। सोचिए इस देश का विपक्ष मोदी विरोध में कितना निर्मम हो चुका है कि उसको किसी का दुख किसी का दर्द दिखता नहीं। इनमें से किसी को ढेले भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि विनेश फोगाट की हालत क्या है, इनको और इनके इकोसिस्टम को किसी तरह इसे नरेंद्र मोदी की साजिश साबित कर देना बस। आपको ऐसे नेताओं को देखकर और शर्म और घिन आएगी जब आप यह सुनेंगे कि पूरा भारतीय दल और खुद विनेश फोगाट रात भर प्रयास करती रहीं कि उनका वजन कम होकर 50 किलो के अंदर आ जाए, और इसके लिए क्या क्या नहीं किया गया सुनिए आप हैरान रह जाएंगे कि वहां भारतीय दल ने क्या मेहनत की।
दरअसल विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइनल में पहुंची, इसलिए उनका वजन 50 किलो से ऊपर हो नहीं सकता था। लेकिन फाइनल से पहले विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम तक चला गया। इसे कम करने के लिए विनेश ने पूरी रात मेहनत की कि कैसे 2 किलो 700 ग्राम कम हो। तो जो लोग कह रहे हैं 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम नहीं बढ़ा था बॉस, 2 किलो 700 ग्राम बढ़ा। और कैसे बढ़ा आज आपको यह भी बताऊंगा। विनेश ने कई राउंड साइकिलिंग की, जंपिंग की रात भर कि किसी तरह से वजन कम हो जाए। 7 अगस्त को सुबह विनेश ने सोना सेशन भी लिया। विनेश ने अपने बाल तक कटवा लिए कि कुछ बाल का वजन होगा 50 ग्राम तो वो भी कम हो जाएगा। फिर भी विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकल आया और इसी वजह से विनेश फाइनल के लिए अयोग्य ठहरा दी गई। आप सोचिए, विनेश और उनके साथ पूरी भारतीय टीम रात भर मेहनत कर रही है कि देश को मेडल मिल जाए और ये लोग यहां तमाशा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर साजिश करवा दी। इस मेहनत का लेवल यह था कि एक समय तो विनेश अपनी जान तक जोखिम में डालने के लेवल पर जाकर वजन कम करने का प्रयास करने को तैयार था, लेकिन टीम ने एक लेवल के बाद प्रयास रोके क्योंकि विनेश फोगाट को डिहाइड्रेशन होने लगा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाई पानी छोड़ दीजिएगा, एक्सरसाइज करते चले जाइएगा, शरीर बचेगा तब तो। ये सब चल रहा है वहां पेरिस में और यहां ये लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे पता नहीं किसी ने विनेश फोगाट के मुंह में लड्डू डाल दिया कि 100 ग्राम इसका वजन बढ़ जाए। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं विनेश के बाल कटे हुए हैं। इतनी मेहनत, दर्द और तकलीफ के बाद भी विनेश एक फाइटर की तरह मुस्कुरा रही है। वहां विनेश एंड टीम जान पर खेलकर देश के लिए मेडल लाने का प्रयास कर रही थी और यहां इंडी अलायंस मोदी ने साजिश करवाकर विनेश का मेडल कैंसिल करा दिया, यह थ्योरी गढ़ रहा था। पॉलिटिक्स में भी तो थोड़ी शर्म की गुंजाइश होती होगी ना बॉस, या सब बेचकर निपटा दिया गया है नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर। जो विपक्ष साजिश का रोना रो रहा है वो बताए ना फिर कि विनेश के साथ कब और कहां साजिश हुई, क्या साजिश हुई, उनकी टीम में से किसने साजिश की। लेकिन विपक्ष को तो झूठ और भ्रम फैलाकर निकल लेने का चस्का लगा हुआ है। उनको थोड़ी है अभी कल को आके विनेश कह देंगे कि मेरे साथ साजिश नहीं हुई, ऐसे झाड़ेंगे ये लोग, नया भ्रम फैलाने में लग जाएंगे। विपक्ष थोड़े ना फैक्ट्स पे बात करेगा। मैं आपको फैक्ट्स और बताऊं, उससे पहले विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट को सुनिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जीत जा करके जो तो हो गया, तो सारे देश को दुख है। मेरे को पता लगा बजरंगी और संगीता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, उस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में, सिर्फ जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। जो लोग इस मामले में मोदी विरोध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग इसमें साजिश का एंगल लेकर आ गए, उनका एजेंडा चल नहीं पाएगा क्योंकि दुनिया देख रही है कि जब से विनेश का मेडल छीन जाने की बात सामने आई, तब से प्रधानमंत्री से लेकर पेरिस में विनेश की देखरेख में लगी पूरी टीम जी जान से जुटी हुई है।